नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। सुबह के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण में कथित रूप से हुई अनियमितता की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। मामले में सीबीआई ने पीई यानी कि आरंभिक जांच दर्ज कर ली है। वहीं सीबीआई के मुताबिक पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि वो निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेज 3 अक्टूबर से पहले जमा कराए। मणिपुर में सशस्त्र बिल यानी कि विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA 6 महीने बढ़ा दिया गया है। इम्फाल घाटी के 19 स्थानों और असम की सीमा से सटे हुए एक इलाके को इसके दायरे के बाहर रखा गया है। अधिसूचना के मुताबिक आपको बता दें कि मणिपुर के राज्यपाल ने 19 स्थान छोड़कर के पूरे राज्य को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। अलगाववादी निज्जर की हत्या से जुड़े कनाडा के आरोपों पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि मैं वही बताऊंगा जो हमने कनाडा को बताया है। हमने कनाडा से कहा है कि यही हमारी सरकार की नीति है, आपके पास कुछ ठोस है तो हमें बताएं, हम उसे देखने के लिए तैयार हैं। एनआईए ने बुधवार को आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई राज्यों में छापेमारी कर संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इससे खालिस्तान टाइगर फोर्स पर भी वॉर माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे विदेश में बैठे पन्नू पर भी शिकंजा कसा गया है। मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन एज हीरो को अगले साल ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के लिए चुना गया है। जी हां, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी घोषणा कर दी है। यह फिल्म केरल की विनाशकारी बाढ़ पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को तीसरे और अंतिम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में भारत को 66 रनों से हरा दिया है। इस तरह 3 मैचों की सीरीज भारत ने 2-1 से जीत ली है। भारत के जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट तो कुलदीप यादव ने 2 विकेट के झटके दिए हैं। महाशक्ति बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम साइंस सिटी की रोबोटिक गैलरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने रॉबर्ट से चाय पेश की, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को दुनिया के विकास का इंजन बनाना है, देश जल्द ही आर्थिक महाशक्ति बनेगा। अरुणाचल सरकार में काम कर रही आईएएस अधिकारी रिंकू दुग्गा को मैंडेटरी रिटायरमेंट दे दिया गया है। दुग्गा और उनके पति संजीव को पिछले साल एक रिपोर्ट के बाद दिल्ली से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि दंपति ने अपने कुत्तों को घुमाने के लिए दिल्ली में स्टेडियम खाली कराया था। संसद में अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। उन्हें सचिन पायलट के जिले टोंक का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही बिदूड़ी दिल्ली की दक्षिण दिल्ली सीट से लोकसभा सदस्य हैं। संसद के विशेष सत्र के दौरान उन्होंने सदन में बीएसपी सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और मुख्यमंत्री द्वारा साफ कड़े निर्देश सभी जिलों के जिलाधिकारी को दिए गए हैं कि जिले शिक्षा व्यवस्था को सही बनाया जाए और शिक्षा के मंदिर में पढ़ाने वाले शिक्षकों के मनमाने तरीके से आने जाने पर रोक लगाई जाए और लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन झांसी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में शिक्षक बेलगाम बने हुए हैं, जहां शिक्षक अपने मन माफिक तरीके से काम करते हैं। बताया जा रहा है कि झांसी जिले की टहरौली तहसील क्षेत्र के ग्राम धवारी के जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में शिक्षकों के आने जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। यहां शिक्षक अपने मन माफिक तरीके से काम करते हैं और अगर कोई जागरूक नागरिक या अभिभावक इसकी शिकायत करता है या विरोध करता है तो उसे कानून का पाठ, नियमों की लिस्ट सुनाई जाती है, जबकि उन्हीं नियमों का पालन करना वो खुद भूल जाते हैं। वही विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि विद्यालय खोलने और बंद करने का काम भी बच्चे करते हैं, शिक्षक मनमर्जी से आते हैं। अब देखना यह है कि जिले के अधिकारी लापरवाह शिक्षकों पर क्या कार्रवाई करते हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, मास्टर नहीं, कोई मास्टर। कितना बज चुके हैं? 8:36। कमालगंज श्रद्धा और भक्ति की हिलौर में झूम उठा। कमालगंज के महाराजा का दरबार कस्बे के प्रेम पुष्प गेट हाउस में चल रहा 13वां विशाल गणेश महोत्सव संध्या को पूजन आरती के बाद झांकियों की प्रस्तुति ने भक्तों का मन मोह लिया।
शिवा शालू झाके ग्रुप कानपुर ने गजानन के दरबार में पेश की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। शिव पार्वती विवाह गोपेश्वर नाथ वृंदवान रासलीला, बताया जा रहा है कि वृंदवान रासलीला भी दिखाया गया। वहीं शिव जी का गोपी रूप की झांकियों ने भक्तों को किया मंदमुग्ध। गणेश सेवा समिति अध्यक्ष राजेंद्र महेश्वरी ने पूजन में शामिल श्रद्धालुओं को सम्मानित किया। देसी शराब के ठेकों को चोरों ने निशाना बनाया है। बेखौफ चोरों ने देसी शराब के ठेके की दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। बेखौफ चोर सीसीटीवी डीवीआर भी चोरी करके ले गए। वही देसी शराब की दुकान की दीवार काट करके चोरों ने 16 पेटी शराब और 5000 रुपए नकदी की चोरी की है। ये हमें बुखार आ गया, हम दवा लेने चले गए तो 10:30 बजे गए हम यहाँ से, तो 10 बजे गए, फिर शाम को बस सुबह आए 5 बजे तो देखा यहाँ ताला खोल के वो धुआड़ा कटा हुआ, दीवार काट दी। हाँ। हरदोई के मंझला थाना इलाके में एक किशोर की हत्या कर उसका शव गन्ने के खेत में डाल दिया गया। सूचना मिलने पर एसपी, एसएसपी और सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही घटना के खुलासे के लिए 4 टीमों के साथ सर्विलांस और स्वॉट टीम को भी लगाया गया है। ये थाना क्षेत्र मंझला में गांव है नई बस्ती, जो पारा का मजरा लगता है। यहाँ पे एक शहाबुद्दीन नामक व्यक्ति के गन्ने के खेत के पास एक युवक जो करीब 15 वर्ष का था, नाम उनका मुकेश पुत्र रामवचन था, ये नई बस्ती के रहने वाले थे। इनका शव पड़ा मिला, जहाँ पे शव मिला था वहाँ पे फील्ड यूनिट द्वारा भी निरीक्षण किया गया, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी किया गया। और इसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसके सर में पीछे चोट के निशान थे। हरदोई के सांडी थाना इलाके में एक कलयुगी शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करते हुए अपने ही छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कर उसको परेशान कर दिया है। परेशान छात्रा ने मामले की शिकायत परिजनों से की है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे हैं। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। 27/9/2023 को थाना सांडी पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें बाबा स्कूल और देव दरबार इंटर कॉलेज कस्बा सांडी जनपद हरदोई में एक शिक्षक द्वारा उस स्कूल के छात्रा को फ़ोन पर चैटिंग करना, अभद्र भाषा करना, लैंगिक शोषण की बात करना, इस तरह की बातें आई हैं, जिसमें बताया गया कि पिछले 6 महीने से वह शिक्षक उस छात्रा को परेशान कर रहा था। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सांसद विधायक जिलाध्यक्ष आदि ने भाजपा कार्यालय पर गुलदस्ता और प्रतीक चिन्ह देकर के जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सांसद विधायक और समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ जय श्री राम उद्घोष कर बैठक की शुरुआत की गई। वही उप मुख्यमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक अशोक सिंघल की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया और बताया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के महानायक अशोक सिंघल जी को सत सत नमन है। जनपद हाथरस के एक दिवसीय दौरे में सबसे पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जाने का मौका मिला, पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जनपद के बारे में विस्तार से चर्चा किया और जनपद में जो समस्याएं निचले स्तर में हैं समीक्षा बैठक के दौरान उनके समाधान के लिए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बेटे की मौत के सदमे में आ गए पिता और उसके बाद उनकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले बेटे की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल एक युवक का पड़ोसी गांव के झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज किया, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई। परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत बर्दाश्त नहीं कर सका पिता, जिसके चलते उसकी भी मौत हो गई।
शाम को एक युवक आया था और इसको बताया जा रहा था, इसका नाम अतुल बताया जा रहा था और वो यहाँ मेरे दोस्त में ही आया है। उसको जब ग्रामीण किया गया तो उसके बाके में ज़्यादा अकड़न था, मतलब ये प्रतीत हो रहा था कि पहले से वो कहीं से इलाज करा रहा था और यहाँ पर मृत हो गई। तो अभी जो है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक हमारा आयुष्मान भव प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सभी डॉक्टर स्टाफ जितना कर्मी है सब लगा हुआ है, अतः हम लोग का कार्यक्रम बहुत व्यस्त चल रहा है। इसलिए जो है हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि ये 2 अक्टूबर के बाद जब खाली हो जाते हैं तो हम लोग उसको छापा मार करके जो भी गैर पंजीकृत संस्थाएँ होंगी उनको सीज किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की। दवा लेने गए थे वहीं से बीमार हो गए। हाँ, पलटी एंटी होने लगे, दोनों जने होने से लग आ रहे हैं। हाँ, वहीं से। कहाँ से दवा लेने गए? खसौरा से। खसौरा से किसके यहाँ से दवा लाए थे? कुछ ना हूँ मैंने, वीरेंद्र जी ने कहा। वीरेंद्र सवेरे को दीपक संग। अच्छा, तो क्या कोई बोतल वोतल लगाई गई थी? बोतल हुआ नहीं चढ़ी, बोतल हुआ लगाई। कहाँ? खसौरा। किसने लगाई थी बोतल? इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।